आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित निराकरण की नीति के तहत राज्य सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई और जिला कलेक्टर लोकबंधु ने लोगों की समस्याओं को सुना, लेकिन गुरुवार को आयोजित होने वाली ये जनसुनवाई भी अब महज खाना पूर्ति साबित हो रही है। जनसुनवाई में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले कई फरियादियों का कहना है कि हम हर बार जनसुनवाई में आते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान तो नहीं होता, बस मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। एक तरफ राज्य सरकार का दावा है कि राज्य में हर परिवादी की शिकायत का जिला स्तर पर जन सुनवाई में निराकरण कर दिया जाता है। इसको लेकर समय समय पर जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जहां आम जन की परिवेदनाओं को सुना जाता है और उनका निराकरण किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ धरातल पर देखे तो जन सुनवाई को लेकर राज्य सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में आलम यह है कि एक ही परिवादी को 10-10 बार आना पड़ता है, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गुरुवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में दूर दराज के गांव ढाणी से आने वाले फरियादियों से डीसीएन लाइवी ने बातचीत कर जनसुनवाई की हकीकत जानी तो सरकारी दावे महज खानापूर्ति साबित होते नजर आए। लोगों ने डीसीएन लाइव को बताया कि एक ही समस्या को लेकर बार बार जनसुनवाई में आना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा लगता है कि जिले के अधिकारी जन सुनवाई के नाम पर महज खानापूर्ति ही कर रहे हैं। किसान आदान अनुदान योजना के गरीब लोगों के पैसे अभी जानियाना रेवेन्यू विलेज में नहीं आए। अमीर लोगों के और ज़्यादा जमीन वालों के आगे कम भूमि वालों के वरीयता के आधार पर पैसे नहीं दिए गए। 8 महीने बीत गए, कईयों मार्च में आ गए अमीर लोगों के, और गरीब लोग अभी भी पीछे चक्कर लगा रहे हैं। ये हकीकत बात है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और पहले गुरुवार को भी आया था जो डायरेक्ट कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन देकर गया, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं। ग्राम पंचायत हीरा की डाणी में गोसर ज़मीन जितनी भी है, कटान रास्ते हैं, सड़क बाउंड्री है, इतना अधिकरण है हद नहीं पार। गिनेश ने लोगों को ही तहसील द्वारा नोटिस दिए जाते हैं, उसके सिवाय नोटिस किसी को नहीं दिया। घर में विद्युत कनेक्शन भी हो गए हैं, सरकारी टांके भी है और ग्राम पंचायत ने सारी सुविधाएं दे रखी है। कितने सालों से आप शिकायतें कर रहे हैं? 2014 से। सुनवाई वगैरह हो रही है नहीं हो रही? सुनवाई यहाँ तक कार्रवाई हो जाएगी, मौके पर कोई कार्रवाई नहीं, ना पटवारी करता है ना कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। 2 बार आए सर, सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही है साहब, अतिक्रमण कर रखा है, जो अतिक्रमण हटा दे रहे हैं। वो हमारी स्कूल आई हुई राज की, उसके लिए वो उन्होंने जो बनती है उस जगह वो अतिक्रमण कर रखा है, ना अतिक्रमण हटा रहे हैं ना स्कूल का वो काट के दे रही है, और बार बार चक्कर काट रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमारी बिजली विभाग का मामला है, हमारे बच्चे की घटना हो गई थी 2021 को, अभी तक इसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम 3 बार कलेक्टर साहब के पास आ गए, वहाँ एस डी एम साहब के पास 3 बार गए, बिजली विभाग के पास गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जन सुनवाई में कितनी बार आए? 3 बार आए। क्या कहते हैं अधिकारी यहाँ पे जवाब? हो जाएगी, अभी तक हुआ नहीं है कोई। समस्या हमारे इधर है और मैं करीब 3-4 बार यहाँ पर आकर के गोते ठोके गया, और ये हमारी फाइल भी जमा हुई हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी है वो कार्रवाई वगैरह नहीं होती है। राज्य सरकार की मंशा है कि जनसुनवाई के जरिए आम जन की समस्याओं का तुरंत निराकरण हो, लेकिन अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई के नाम पर जो खानापूर्ति की जा रही है उससे राज्य सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। जनसुनवाई में अधिकारियों का रवैया देखकर यही कहा जा सकता है कि कहने को तो यह जनसुनवाई है, लेकिन यहाँ पर जन की कोई सुनवाई नहीं होती।